आज की वीडियो में इंडिकेटर लेके आई हूँ आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर जो आपको डेली प्रॉफिट निकाल के दे सकता है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, क्या सेटिंग होने वाली है इंडिकेटर की और किस तरह से इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है आपको लाइव मार्केट में, वो मैं सिखाने वाली हूँ, बैक टेस्टिंग करके बताऊँगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देख पा रहे हैं इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है, इंडिकेटर के बारे में बाद में बताऊंगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इंडिकेटर किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से आप इसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर के नीचे जब भी मार्केट सस्टेन करती है अच्छा खासा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिलता है, अच्छा खासा प्रॉफिट आप डाउन साइड बना सकते हो। ब्रेक ये जो क्रॉस ओवर है ये क्रॉस ओवर होना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न का इंडिकेटर के बाद। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अपसाइड की बात करें साइडवेज मार्केट में ये इंडिकेटर वर्क नहीं करेगा दोस्तों, ये भी मैं बता देती हूँ आपको, साइडवेज मार्केट में ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, कोई भी इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ इंडिकेटर का, कैंडल के क्रॉस ओवर के नीचे कैंडल बननी चाहिए तो हम पुट साइड एंट्री बना सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कितना निकालना है आपको, 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए इस स्ट्रैटेजी में, 1:2 का टारगेट आपको बिल्कुल ये स्ट्रैटेजी देने वाली है। उसके बाद आप अपसाइड देख पा रहे हो, अपसाइड भी क्रॉस ओवर हुआ है, अपसाइड भी मार्केट ने हमें 1:2 का प्रॉफिट दिया हुआ है। नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो नीचे भी मार्केट चली है, यहाँ पे क्रॉस ओवर के बाद ये इंडिकेटर के क्रॉस ओवर के बाद नीचे मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और बैक टेस्टिंग करें तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्रॉस ओवर के बाद कंटिन्यूएशन आप देख पा रहे हो मार्केट का कितना बड़ा हमें टारगेट मिला होता अगर हमने कैरी फॉरवर्ड किया होता। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा इसे ब्रॉड कर लेते हैं हम ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए, यहाँ पे क्रॉस ओवर देख पा रहे हो, क्रॉस ओवर अपसाइड हुआ उसके बाद मार्केट ने कितना बढ़िया प्रॉफिट दिया हुआ है। बस इंडिकेटर ये बहुत ही बढ़िया से वर्क करता है दोस्तों, आपको क्रॉस ओवर का वेट करना है, साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, ये भी मैं बता देती हूँ आपको, आपको साइडवेज मार्केट से किस तरह से बचना है उसके लिए भी मैंने एक इंडिकेटर बताया हुआ है, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इंडिकेटर। अगर साइडवेज मार्केट से बचना चाहते हो तो उस इंडिकेटर को अप्लाई करके आप साइडवेज मार्केट से बच सकते हो। इस बेहतरीन स्ट्रैटेजी को, 1 मंथ की इस बेहतरीन स्ट्रैटेजी को ट्रैप से किस तरह बचा जाए, फेक ब्रेकआउट से किस तरह से बचा जाए, इस वीडियो को 9 EMA की बेहतरीन वीडियो को, 50 EMA और एक इम्पॉर्टेंट EMA 200 EMA की वीडियो को आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया दोस्तों, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने ये सारी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए, आपको ये वीडियो भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई हुई है मैंने आप सबके लिए। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये सारी वीडियो ज़रूर जाके देखिए, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्रॉस ओवर हुआ इंडिकेटर का, क्रॉस ओवर हुआ, कैंडल ने क्रॉस ओवर दिया है, कैंडल जो है इंडिकेटर के ऊपर या नीचे ओपन होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कैंडल क्लोजिंग दिया है इंडिकेटर के ऊपर, उसके बाद हम दूसरी कंफर्मेशन कैंडल पे यहाँ पे एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद देख पा रहे हो आप कितना बड़ा प्रॉफिट मार्केट ने हमें दिया है, लेकिन आपका टारगेट 1:2 का ही होना चाहिए इस स्ट्रैटेजी में। उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे मार्केट ने इंडिकेटर के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दी है, कंफर्मेशन कैंडल पे आपको यहाँ पे एंट्री लेनी होती है और उसके बाद आप देख पा रहे हो बिल्कुल 1:2 का प्रॉफिट दिया है, 1:2 से ज़्यादा का ही प्रॉफिट मार्केट ने दिया हुआ है। तो ये इंडिकेटर इस तरह से वर्क करता है दोस्तों, कौन सा इंडिकेटर है वो मैं बताने जा रही हूँ आपको, तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल जो है स्किप मत कीजिएगा वरना इंडिकेटर के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, इंडिकेटर में आपको जाना है, इंडिकेटर में जाने के बाद यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप करना है और ये जो फर्स्ट वाला इंडिकेटर आएगा उसे आपको अपने चार्ट में प्लॉट कर देना है। मूविंग एवरेज की इंडिकेटर है, EMA है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया से EMA मार्केट में वर्क करता है। ऑलरेडी मैंने और बाकी सब EMA के बारे में वीडियो बना रखी है, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ज़रूर जाके देखिए कितनी बढ़िया तरीके से वो EMA भी वर्क करता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये EMA आपको लगा देना है अपने चार्ट में, उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद इस तरह से आपको सेटिंग करनी है, यहाँ पे लेंथ होगा 20 ही रखना है, उसके बाद आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, मैंने येलो कलर किया हुआ है और इसके थिकनेस को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे थिकनेस दिखेगी, थिकनेस आप
थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए ईएमए, और उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद ईएमए आपके चार्ट में प्लॉट हो जाएगा, उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट डेली बेसिस पे इस इंडिकेटर की मदद से निकाल सकते हैं। तो यही था दोस्तों वीडियो में, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।